दिन में 10 लड़के मेरे आगे पीछे गिरते हैं, मुझे किसकी जरूरत है परफ्यूम की। पापा, शादी के जोड़े कौन बनाता है? अरे बेटा, शादी के जोड़े तो भगवान और अल्लाह बनाता है। तेरी, मैं तो दर्जी को दे आई। क्या? हाँ। बेबी अपने भाई को समझा लो, जलता है मुझसे। तुम मुझसे सेट हो ना तो मुझे ब्लैकमेल करता है। क्या हुआ, तुम भी इसे ब्लैकमेल कर दिया करो, इसने भी तो तुम्हारी छोटी बहन सेट कर रखी है। क्या कह दिया? हेलो चटकारा होटल वाले भैया, हमारे घर एक माँ का चूरन भेज दो और सास बिल्कुल मत डालना, सास पसंद नहीं हमें। मम्मी वो मंचूरियन होता है और सास होता है, क्यों फोन करते हो यार? अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू, क्या बनाया इस खाने में? पनीर की सब्जी और रोटी। पनीर मेरा फेवरेट यार, मुझे भी दो ना थोड़ा सा। लेकिन मैंने तो सिर्फ मेरे लिए बनाया है। क्यों? और मेरा खाना? मोदी जी की बात नहीं सुनी? आत्मनिर्भर बनो, जाओ बनाओ और खाओ। नो बता, दारू पी के आदमी सच बोल लिया करे न? हाँ, क्यों, क्या हो गया? ठीक से तो आज तू दारू पी, मैंने तेरे ताज गणे सवाल करने से। भाई शादी के अगले दिन एक दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर में गया जहाँ से उसकी बीवी ने शादी से पहले मेकअप करवाया था। भाई फिर उसने उस पार्लर वाली को एक आईफोन 11 गिफ्ट किया और थैंक यू बोलकर चलाया। भाई फिर क्या हुआ? भाई वो पार्लर वाली इतना खुश हो गई, उसने खुशी खुशी में जैसी डब्बा खोला उसके अंदर से एक नोकिया 3310 और एक चिट्ठी निकली। भाई क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भाई उस चिट्ठी में लिखा था फीलिंग सेम। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा जो है ना, मैं 1000 रुपए दूंगी। अच्छा, क्या इच्छा है तेरी? मेरे 2000 रुपए दो। अरे क्या हुआ भाई, रोक क्यों रहा है? भाई तेरे को याद है कुछ दिन पहले मेरे घर पे लड़का हुआ था? ये तो अच्छी बात है। मैं उसका नामकरण कराने के लिए एक बाबा के पास लेके गया तो बाबा ने बोला कि सबसे पहले ये जिसका भी नाम लेगा वो आदमी मर जाएगा। अच्छा भाई, किसका नाम लिया पहले? उसने बोला पापा। अरे भाई, पर तू तो जिंदा है ना? मैं तो जिंदा हूँ पर मेरा पड़ोसी मर गया। बहू रानी, आज तेरी मुंह दिखाई है, वो क्या होता है माँ जी? शादी के बाद लोग मुंह देख के पैसे देते हैं। है? तुमने सुबह सुबह मेरा मुंह देखा, पैसे दो। अरे मैं नहीं, पड़ोसी। पैसे निकाल बुढ़िया। अरे क्या हुआ मम्मी? बेटा उधर मत देखियो, इधर मेरा मुंह देख लिया, पैसे निकाल। जानी मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। वाओ, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम। और अगर दोजख जाऊँ तो? अपनी वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले बीबी को सताने वाले किस हाल में होते हैं। हेलो, क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। और अगर मैं वहाँ होती तो तेरे साथ चाय पीता। और अगर चाय ना होती तो? मैं चाय बना के पीता। और अगर चाय बनाने का सामान ना होता तो? मैं बाहर जाता, सामान लाता और सामान लाके चाय बना के पीता, लेकिन मैं चाय जरूर पीता। बेटी को बुला लीजिए। बेटा कुछ बोलना नहीं, लड़की वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि तू तोतला है। बेटा चाय ला तो। गला में फूट मार के पी, फूट मार के पी। बेटा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेगी। पापा इतने पढ़े लिखे हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिली? Thank you.
ओ भाई ओ, मेरी ना फायर ब्रिगेड में नौकरी लग गई। पार्टी भाई। अभी देख फोन भी आ गया। क्या बात है? हेलो हेलो हेलो, हमारे यहाँ आग लग गई है। तो आपने पानी डाला? हाँ हाँ डाला, पर नहीं बुझी। हाँ तो मैडम, हम भी आकर क्या करेंगे, हम भी तो पानी ही डालेंगे ना। अच्छा गूगल, ये बताओ, एक किलो रुई और एक किलो लोहा, दोनों में से भारी क्या होगा? लोहा ज्यादा भारी होगा। गूगली, तुम एक नंबर की गधी हो। जब रुई भी एक किलो और लोहा भी एक किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम मुझे एक किलो रुई फेंक कर मारो और मैं तुमको एक किलो लोहा फेंक कर मारती हूँ, देखते हैं किसको भारी पड़ेगा। धरती भी घूमना बंद हो गई जब एक लड़की मोर से पूछी, बैंक अकाउंट में डीपी कैसे चेंज करते हैं जी? हर टाइम की चिक 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 चिक, ऐसा है मेरा दिमाग मत खराब करो। 15 दिन से मैंने बीड़ी सिगरेट गुटखा कुछ नहीं खाया है। ऐसा है, तुम भी मेरा दिमाग खराब मत करना, मैंने भी 15 दिन से गोलगप्पे नहीं खाए हैं, समझे? अच्छा जी। ये दीवार पे झुमके क्यों लटका रहा है? मैंने सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। भाई तुझे पता है लॉकडाउन खुल चुका है? अच्छा सच बता। हाँ। भाई भाई, भाई, भाई। भाई आज डेट क्या है? 1 अप्रैल। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो। अरे बहन जल्दी से रेडी हो जा, मेरे फ्रेंड की पार्टी वहाँ चल रहा है। ठीक है ठीक है, पर मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। हाँ तो कोई भी पहले शॉपिंग कर लेते हैं। पर अब क्या हुआ, मेरे पास तो कबर्ड में जगह ही नहीं कपड़े रखने के लिए। भगवान। क्या आप मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? यार चल तो लू, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। बस इतनी सी बात? कोई नहीं, मैं अकेला चला जाता हूँ। मन करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, ना बैठूं ना बोलूं, फिर इन प्यारी सी आंखों में मुस्कुरा के संतरे का छिलका निचोड़ के भाग जाऊं।